मध्य प्रदेश में यूरिया खाद की कमी को लेकर किसान परेशान हो रहा है। यूरिया के लिए किसानों को सोसाइटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यूरिया वितरण में किसी प्रकार के विवाद का माहौल ना बने, इसलिए प्रशासन को पुलिस लगाकर सोसाइटी की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। किसानों को गेहूं की बोनी होने के बाद अब यूरिया के लिए सोसाइटियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे जिले के किसान नाराज हैं। इसके चलते कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सहकारी समितियों में जाने वाले खाद के ट्रकों के साथ पुलिस जवानों को सुरक्षा के लिए लगाया है। ये व्यवस्था इसीलिए की गई है कि ताकि किसी भी सोसाइटी में खाद वितरण के दौरान विवाद का माहौल नहीं बने। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व रेलवे ट्रैक पॉइंट पर किसानों का आक्रोश देखने को मिला था। किसानों ने माल गोदाम के पास रोड पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया था, जिससे पुलिस और प्रशासन को किसानों को समझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।